तो लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा अभी हम चल चुके हैं और मंदिर हमें कभी भी अभी तक दिख नहीं रहा है, क्या करें। अभी इस पहाड़ी को हम क्लाइम करेंगे, इसके ऊपर अभी हम जाएंगे। ये देखो, किधर जाओगे सर, इधर आगे का कैमरा। तो कल हम गए थे धारेश्वर महादेव और अभी हम जा रहे हैं एक और अमलेश्वर महादेव। ये मैं हूँ और ये हमारी सेना है, सब साथ में जा रहे हैं। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा अभी यहाँ से। ये है देखो जंगलों का, मतलब पहाड़ों का गहरा जंगल। तो अभी हमने आपको धारेश्वर महादेव मंदिर जो है कल दिखाया था और अभी हम जा रहे हैं अमलेश्वर महादेव। थोड़ी देर पहले अभी आपको गजनई बांध दिखाया था और अभी हम अमलेश्वर महादेव के आपको दर्शन करवाएंगे। ये मंदिर है, आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन हम आपको अभी दिखाएंगे इस वीडियो में। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और ये देखो, ये है पहाड़ों के जंगल यहाँ आपके पीछे, पहाड़ों पे ये जो है ना बहुत ही अच्छे जंगल है यहाँ पे। ये देखो आगे भी देखो, बहुत ही घना जंगल है यहाँ पे। थोड़ा सा हमने ट्रैवल यहाँ पे कर लिया है और अभी हम इसमें धीरे क्या तेज चलो, तेज चलते हैं। 2 किलोमीटर बाहर निकाल देंगे, 2 किलोमीटर अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे हम। जंगल बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। क्या सब दूर में इसको, ये मेरी शायरी नहीं बन रही इधर। तो हम अभी चलते चलते, कभी धूप कभी छाव, कभी पहाड़ी आ रही है कभी रेती आ रही है और चलते चलते पता नहीं कौन कौन सी जगह आ रही है। फोटो फोन आ जाओ, सब कोई फोटो वोटो नहीं है। कुछ बोलो तो राजू जी, कंपनी बंद करवाई जाएगी। मजा आ रहा है हमको तो बहुत ज्यादा बहुत देर से हम जो है चलते ही जा रहे हैं। यहाँ पे अजीब अजीब सी हमको आवाजें सुनाई दे रही है, कभी कोयल कभी चिड़िया कभी पी पू पापू हांग बोल रहे हैं, शेर अभी तो नहीं बोला हम भी इधर पहली बार इस मंदिर में जा रहे हैं अभी, और आप भी वीडियो के एंड तक देखते रहिए। आपने ये मंदिर तो है ना पहले कभी नहीं देखा होगा और मैं इस मंदिर को दिखाऊंगा आपको। मैं तो थक गया यार, तैर तैर ये जंगल तो और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम मैन वर्सेस वाइल्ड वाले प्रोग्राम में अभी आ गए हैं। और देखते हैं आगे क्या है, जंगल और भी घना होता जा रहा है। ये देखे, अरे यार और कितना दूर है पैदल चल रहे हैं और जंगल बहुत ज्यादा गहरा मतलब घना हो गया है अभी। देखो गहरा खड्डा है यहाँ पर, अभी तक दिखा कि नहीं दिखा मंदिर, ये दिखा। तो लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा अभी हम चल चुके हैं और मंदिर हमें कभी भी अभी तक दिख नहीं रहा है, क्या करें। फाइनली हमें थोड़े से दर्शन हो गए हैं मंदिर के इतना दूर चलने के बाद में, और अभी आपको भी दिखाएंगे। फाइनली मंदिर के पास हम अभी पहुंच गए हैं और ये देखो ये भी बहुत थक गए हैं चल चल के तो फाइनली अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारे पीछे जो मंदिर दिख रहा है, उसी के लिए हम इतने देर से पैदल चल रहे थे और हम यहाँ पे पहुंच गए अभी। ये देखो यहाँ से, ये देखिए मतलब बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, पहले आपने ये मंदिर कभी नहीं देखा होगा। तो यहाँ से अभी हम चलते हैं अंदर। चप्पल अभी हम यहाँ पे उतारते हैं, ये हमने चप्पल यहाँ पे उतार दिए हैं। अभी यहाँ से इधर इस तरफ अंदर चलते हैं। जय श्री शंकर महाराज, जय श्री। ये काटता तो नहीं है? नहीं। तो फाइनली मंदिर के अंदर पहुंच के हमने एक बार
दर्शन कर लेते हैं मंदिर का। और ये है महाराज, ये कौन से महाराज का मंदिर है, ये कौन से बाजी है, महादेव, ये महादेव जी है, पार्वती महादेव, पार्वती और महादेव, कृष्ण भगवान अंदर है, कृष्ण भगवान, हिंगराज माता, अच्छा अंदर है हिंगराज माता जी का मंदिर, और ये है राधे कृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लो आप, ये हिंगराज माता जी का मंदिर है, इस तरफ भी मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। यहाँ पे श्री कृष्ण राधा कृष्ण जी का मंदिर है, इधर ये परिक्रमा देने के लिए यहाँ पे गुफा है, चलते हैं यहाँ से। जय भोलेनाथ, अंदर जय भोलेनाथ। अरे ओहो, यहाँ से बहुत छोटी बनाई है और इधर से हम अभी वापस बाहर आ गए हैं। आ जाओ, निकलो यहाँ से, आप भी आ जाओ राधे जी। जय भोलेनाथ। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करना, सबकी इच्छा पूरी कर देना। जय राधा कृष्ण। और जो वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगे राधे कृष्ण। जय राधे कृष्ण। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और ये है यहाँ के महाराज पंडित जी, सभी आप ही देखते हो यहाँ पे, ठीक है। चाय की सेवा पे बाबू जी आ गए, बाबा जी हमारी सेवा कर रहे हैं, अभी पानी पियेंगे। और ये महाराज जी है, उन्होंने हमें पानी पिलाया है, चाय के लिए भी अभी सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे है ये मंदिर। तो यहाँ का बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे पहाड़ी इलाके बहुत ही ज्यादा हरे भरे हैं। और यहाँ पे एक समस्या है कि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई भी अगर आप कॉल करना चाहो तो नहीं लगेगा, नहीं नेट नहीं इंटरनेट, सारे सिम जो है पूरे डाउन हो चुके हैं पूरे के पूरे। तो अभी हमने यहाँ पे यहाँ की जो कथा है वो मतलब यहाँ का जो इतिहास है वो हमने सुना, महाराज जी ने थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया हमें। और अभी और एक चीज है आपको जो दिखाएंगे अभी यहाँ पे जो मानते हैं। अभी हम यहाँ से थोड़ा चलते हैं और ऊपर की ओर ऊपर क्या है ना राजू जी, अलग दृश्य है वहाँ पे अलग दृश्य है, वो अभी दिखाएंगे, आप देखते रहिए आज तक न्यूज नहीं नरेंद्र व्लॉग्स। हमारे साथ बहुत ही बड़े भक्त हैं जो 2-3 किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं, बिना चप्पल के। ये देखो महादेव जी के बहुत ही वापस, हाँ बिना चप्पल के ही जाएंगे और बिना चप्पल के ही आए हैं। और बाकी का जो आप दर्शन नहीं करेंगे तो यही बैठ जाऊंगा, यही अभी ये मतलब सोच रहे कि यहीं पे समाधि ले ले। और ये रहा मंदिर यहाँ का बहुत ही खूबसूरत। चलो यहाँ पे देखते हैं नीचे, अभी यहाँ से हम चलते हैं। यहाँ पे वो जगह है जहाँ माना नहीं जाता है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है ना पहाड़ी के अंदर से जो पानी निकलता है, ये है कुंड और इसके अंदर देखो पहाड़ों के अंदर से पानी निकलता है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे यहाँ से जो पानी है ना वो निकलता है, एक मिनट थोड़ा फ्लैश चालू करके। ये देखो यहाँ पे अंदर से पानी आ रहा है पहाड़ों के अंदर से, बहुत कम आ रहा है अभी तो। ये देखो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, वीडियो को जोर से लाइक करो और दबा के शेयर करो, बहुत ज्यादा पानी आएगा। राजू जी आपके क्या विचार है इस पे, क्या आपने पहले कभी देखा है ऐसा दृश्य? नहीं कभी नहीं देखा, ठीक है। और ये भी देखो ये एक चमत्कारी पानी है, इसमें नहाने से दुनिया के 125 रोग जो है यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और ये पानी यहाँ देखो ये वो जगह है, बहुत मुश्किल से यहाँ पे हम पहुंचे हैं। ये देखो जगह बहुत अच्छी है, ये मैं फ्रंट से इसलिए बना रहा हूँ कि मेरी भी तो शक्ल आनी चाहिए, कब से मैं बोले जा रहा हूँ। और ये देखो हमारे राजू जी को जैसे ही आम का पेड़ दिखा तो ये आम ढूंढने लग गए, मोर बोलते हुए म्याऊ म्याऊ। और ये है बहुत ही विशाल और अंग्रेजों के जमाने का ये आम का पेड़ है। तो अभी आम पूरी नहीं हुई, अभी हम यहाँ से थोड़े आगे वापस जाते हैं, अभी हम बस यही खत्म करते हैं। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर करो, ठोको लाइक और
ठोको सिद्धू जी वाली ताली।